रीवा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी डर नहीं है। आए दिन बदमाश कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बीते 10 जुलाई का है। तकरीबन रात 11:30 से 12 बजे के बीच 10 से 15 अज्ञात बदमाशों ने यूनिवर्सिटी थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर शियाजी मैरिज गार्डन के संचालक अरुण मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधी यहीं नहीं रुके, गार्डन की तकवारी कर रहे महेश साहू के साथ भी मारपीट करने लग गए। महेश साहू के सिर में 16 टाके लगे हैं। इस बीच गार्डन के संचालक अरुण मिश्रा के भतीजे अतुल मिश्रा बीच बचाव के लिए आए तो उनको भी हमलावरों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिलहाल वो संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की जानकारी जैसे ही अरुण मिश्रा के बेटे उपेंद्र मिश्रा को मिली तो वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां अपराधियों ने उनको सड़क में दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये लुटाई है, लुटा के मारा लाग देखा ना नीचे पर आई ही फिर यह बेल्ट उठ लाए का बेल्ट पांच 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 लोग हैं, पांच छह लोग हैं। पीड़ित पक्ष से जब शब्दसाची के रिपोर्टर ने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि 10 से 15 लोग धारदार हथियार के साथ शियाजी मैरिज गार्डन पहुंचे थे। गार्डन में उस समय तिलक समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। उन लोगों ने सबसे पहले गार्डन में मौजूद वेटर से झड़प शुरू कर दी। बाद में गार्डन में मौजूद गार्ड वहां पहुंचा तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। इस घर में अरुण कुमार मिश्रा शियाजी मैरिज गार्डन संचालक, तिलक का प्रोग्राम रमेश दुबे का तिलक का प्रोग्राम था। किस तारीख, कौन सी तारीख की बात है? 10 जुलाई को तिलक का प्रोग्राम था। उनका तिलक पूरा करीब 11:30 बजे कंप्लीट हो गया था। दो लड़के थे वहाँ, ज्ञानेन्द्र सिंह, पूरेन्द्र सिंह। रमेश दुबे बोल रहे थे कि गेट के बाहर चलो, गेट के बाहर चलो। इनमें रमेश दुबे मेरे खुद बुलाया, बोला कि गेट के बाहर इनको थोड़ा समझाओ। मैं बोला उठपटांग करना है गेट के बाहर चले जाओ। और बोले कि देख रुक तेरे को बताता हूँ। गेट के बाहर आए, फोन किए, 15 मिनट के अंदर करीब 10 से 12 लड़के गार्डन के अंदर घुसे, पूरे गार्डन में घूमे। ये मेरा चौकीदार है, गेट में खड़ा था, इसको उठा के पटक दिए। चौकीदार ये है महेश साहू, और इसके बचाने चक्कर में फिर मेरे ऊपर मार के मेरे को उठा के पटक दिए, और मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये चोटे आई है। फिर बाहर निकले, घर के अंदर मेरा भतीजा था, उसका घर अलग था, चाचा का लड़का अतुल मिश्रा घर के अंदर था। वो आवाज दिया, चाचा क्या हो गया, उसको भी दौड़ के उसके घर के अंदर से घुसेर के लाए, चैनल खोल के उसके घर के अंदर से घुसेर के लाए और रोड में लाए, खसेड़ते हुए और उसको इतना डंडा से बार किए, वो मरना संध में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मेरा लड़का घर से आ रहा था, उसको मालूम पड़ा कि विवाद है, घर से आ रहा था तो उसको भी वहीं पकड़ के और उसको करीब 500 मीटर दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। आज हम लोग थाने में जो एकत्रित हुए हैं उसका मुख्य कारण ये है कि 10 तारीख को हमारे भैया हैं गार्डन में मारपीट की घटना होती है, जिसपे 2 अपराधी पकड़े गए हैं। अब पुलिस उनको कोर्ट में हालत नहीं देख रही है सबकी कि क्या है मौखिक हालत देख के ही धाराएं लगाई जाती हैं। एमएलसी का रिपोर्ट नहीं किया जाता। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि अगर मर्डर हो गया है तो क्या आप एमएलसी का इंतजार करेंगे कि मर्डर हो गया तब हम 307 लगाएंगे, अपराधी पकड़ गया है। आप 223 394 लगा के अपराधी को कोर्ट में पेश करना है, वही धाराएं सारे अपराधियों के साथ लगेगी। एमएलसी क्यों नहीं आ रही है? एमएलसी तो तुरंत मिलनी चाहिए, आपको दबाव बनाना चाहिए। प्रशासन पूरा ढीला, अधिकारी पूरे ढीले हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे भाई साहब जब रात में यहाँ शिकायत करने आए तो एसआई रजक के द्वारा बोलता है कि हमें कुछ खर्चा पानी दो, मतलब सीधे सीधे जाहिर होता आप अपराधियों से मिले हैं। इन सबसे नाराज परिजन रविवार करीब 2:00 PM यूनिवर्सिटी थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान परिजनों ने थाने के सामने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। इस पूरे मामले में हमने CSP ऋतु उपाध्याय से बात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है। 10 जुलाई दरमियानी रात जो सियाजी मैरिज गार्डन है इटौरा बाईपास में,
वहाँ एक घटना की जानकारी मिली, जो मैरिज गार्डन के संचालक हैं और उनके कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला किया और उनमें से 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया जानकारी मिलने के उपरांत। और जब जानकारी थाने में प्राप्त हुई तो तत्काल उसमें FIR दर्ज की गई, चूँकि प्राथमिक तौर पर जो सख्त तथ्य सामने आए थे उनके आधार पर कार्यवाही की गई थी और FIR दर्ज की गई थी। आगे जो भी विवेचना में साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर जो धाराएं बढ़ाई जाएंगी और जो भी जो आप बात कह रहे हैं कि थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं, संबंधित व्यक्ति आक्रोशित हैं और हो सकता है कि आक्रोश में उन्होंने इस तरीके की कोई बात कही हो, परंतु प्रथम दृष्टया हमने जो भी हमारे पास साक्ष्य सामने आए हैं उसके आधार पर ही कायमी की गई है। बिना साक्ष्यों के हम निराधार रूप से कोई भी धारा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो अपने तरीके से बता रहा है कि कौन सी धाराएं आप लगाइए, आप इस पर भी कायमी कीजिए, क्योंकि घटना जो है, घटना की जो पुष्टि हुई है वो मारपीट की पुष्टि हुई है, तो मारपीट से संबंधित धाराएं ही हम लगा सकते हैं FIR में। संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी गई है और उन्हें बताया गया है कि जिस तरीके से सख्त तथ्य सामने आएंगे उस तरीके से हम आगे की कार्रवाई करेंगे इस विषय में। रीवा में इस तरह की घटनाओं का होना आम बात हो गई है। आए दिन व्यापारियों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन खुद को व्यापारियों की हितैषी बताने वाली संस्थाएं जैसे विंध्य व्यापारी संघ और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कभी भी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पहल नहीं की गई। इन संस्थाओं पर हमेशा चुनिंदा लोगों का साथ देने के भी आरोप लगते रहते हैं। बहरहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। शब्दसाची इस घटना से जुड़े हम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।